जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में जानकारी ली और सभी विद्यालयों को निर्देश दिया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें सभी विद्यालय अपने विद्यालय के कार्यों के बारे में जानकारी दें कि किस तरह से आप लोक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय पर अध्यापकों को विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तहसील स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि हर महीने जाकर विद्यालय का निरीक्षण करेगी, जिससे विद्यालय में शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। मुझे बार-बार बैठक बुलानी पड़ेगी। आप लोगों को शासन ने नियुक्त किया है, आप लोग चर्चा, ये अगर प्राइवेट स्कूल में होते तो रोज चर्चाएं होती। पिछली बैठक में मैंने जो कुछ निर्देश दिए थे उसका अनुपालन बताइए। एक एक बिंदु बार बताइए, सभी सब्जेक्ट का बन गया, साइंस मैथ और इंग्लिश बन गया। ये सभी स्कूलों को चला गया नहीं? एससीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए, आपका तो एनसीईआरटी किताबें है ना, भी उसको अध्ययन कौन करेगा? पहले आप उसका अध्ययन करिए और मैथ्स और साइंस के लर्निंग और इंग्लिश के लर्निंग आउटकम निर्धारित करिए। हाँ, एक सप्ताह के भीतर लर्निंग आउटकम जारी हो जाएंगे लिखित में, ठीक है? लर्निंग आउटकम दोनों एक सप्ताह के भीतर एससीईआरटी से वेटिंग के उपरांत जारी हो जाने चाहिए। तहसीलवार मजिस्ट्रेट स्तर की एक समिति का गठन किया जाए, इसके विद्यालय का तलिया निरीक्षण किया जाएगा। हाँ बताइए। नहीं, वो इसमें क्या है, अभी तो वैसे भी जा सकते हैं, उपस्थिति देख सकते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देख सकते हैं। साहिबान और एडीएम साहिबान को जिम्मेदारी लेनी है कि आप स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, कभी मूल्यांकन चलेगा, कभी छुट्टी आएगी, कभी ग्रीष्म काल चलेगा, कभी वर्षा ऋतु जाएगी, सब चलेगा, लेकिन पहले व्यवस्था तो आने, संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा कार्यालय कैसे हो सकता है, कलेक्ट्रेट मेरे कार्यालय का भी निरीक्षण होता है, अभी प्रभारी मंत्री मेरे कार्यालय का निरीक्षण रखे गए हैं, वो कैसे हो सकता है कि माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण नहीं होगा? ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जिन स्कूलों का इंस्पेक्शन होता है वहाँ व्यवस्था और बेहतर होती है। प्रत्येक सप्ताह समस्त कार्यालय पर अपने अपने विद्यालयों के टीमों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाए और माह में एक बार अभिभावकों के साथ बैठक किया जाए। ये हो रहा है, मतलब सप्ताह में बैठक हो रही है या प्रिंसिपल लोग कौन है? नहीं है, सभी राज्य विद्यालयों के प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। बैठक होनी चाहिए, कक्षाओं का आवंटन, क्षेत्र कार्य विभाजन, क्षेत्र बंटवारा, ये सब चीजें होनी चाहिए, गवर्नेंस के इश्यूज चर्चा होनी चाहिए। इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और वह बैठकें होते हुए नजर आनी चाहिए। मासिक आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसमें आती है फोटो, क्या फोटो आती है? परीक्षा कराते हो नहीं, सारी फोटो ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो फोटो डालकर डाल रहा हूँ, ये कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं चल रहा है, ये प्रबंधन का ग्रुप है, तो जो बोला जाता है वही डालना चाहिए।